अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार सी चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत मज़े की बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का ले लिया, कढ़ाई में इसे ऐड कर दिया। ऑयल गर्म हो गया, 2 टीस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लिया। 1/2 kg चिकन ले लिया था, चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया, चिकन ऐड कर दिया। 6 से 7 मिनट चिकन को फ्राई कर लेना है। 6 से 7 मिनट चिकन को फ्राई कर लिया। 4 अदद आलू ले लिए थे, इन्हें कट कर लिया, वाइट कर दिया। 5 अदद बारीक चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दिए। 3 से 4 मिनट इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। 1 टेबलस्पून इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दिया। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। 3 से 4 मिनट दोबारा इसे मिक्स कर लेने। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप दही ले लिया था, दही को बिल्कुल अच्छी तरह से फेंट लिए, दही ऐड कर देने। 10 से 12 अदद साबुत हरी मिर्ची ऐड कर देनी है। 3 से 4 मिनट दोबारा इसे मिक्स कर लेंगे। 1/2 घंटे के लिए अब इसे कवर करके रख देना है ताकि आलू और चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। 1/2 घंटे के लिए कवर करके रख दिया था। बिरयानी का मसाला जो है वो बनकर तैयार हो गया। 1 लेयर उसकी लगा ली है। सिंपल वाइट चावल को बॉईल कर लिया था, 1 लेयर हमने चावलों की लगा ली है। अब इसके ऊपर से दोबारा बिरयानी मसाले की 1 लेयर लगा ली है। अब इसके ऊपर से दोबारा अब हम सिंपल चावलों की लेयर लगा लेंगे। थोड़े से प्याज को जो है फ्राई कर लिया था वो ऐड कर दिए। दोबारा प्याज फ्राई की हुई वो ऐड कर दिए। थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड कर दिए। पुदीने से फ्लेवर बहुत मज़े का आ जाता है। थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर ऐड कर दिए। 10 मिनट के लिए अब हम दम पर रख देंगे। मज़ेदार सी चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं डिश आउट करती हूँ। पुदीने की चटनी और सलाद के साथ इसे सर्व करें। चावल का एक एक दाना जो है वो खिला हुआ बने। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह अब मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।